नमस्कार दोस्तों, मैं स्वस्तिक एग्रो की तरफ से आपके लिए लाया हूँ 150 LPM का मोनोब्लॉक मिल्किंग मशीन। और इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे बैटरी केज लगा रहे हैं। ये पूरा मशीन का प्रेशर कितना है, कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, आपको इसके ऊपर आपको दिखा सकते हैं। और इसे कहते हैं वैक्यूम रेगुलेटर। आप प्रेशर हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट है पूरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑयल का सिंबल लिखा हुआ है, 68 ग्रेड का ऑयल और 140 ml आपको इसमें डालना है। और उसका लेवल चेक करने के लिए आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा लेवल कितना है कितना नहीं है। प्लग कनेक्शन के लिए वायर यहाँ पे जोड़ना चाहिए और उसके साथ यहाँ पे 2 फुट का वैक्यूम पंप एक मोटर के लिए जोड़ना चाहिए और एक स्टैंड का इस पे जोड़ना चाहिए। इसे कहते हैं SS304 ग्रेड का टी शेल और इसे कहते हैं मेलास्टी लाइनर। 30 mm का लाइनर आता है, उसके अंदर से आप डालना है और उसको अपर लेवल में आपको टाइट करना है। और बैक साइड पे आपको वो थ्रेड को बाहर निकालना है। इसे शॉर्ट वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। एक साइड का एंड आप टी शेल को लगाना है। तो ये 1 असेंबल हो गया। उसके साथ इसको अपने को चारों को वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। पूरा चारों इंस्टॉल कर लिया है और इसके आगे का प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं 240 cc का मेलास्टी क्लॉ। उसके साथ अपन जो असेंबल किया हुआ है उसको अपन एक एक करके सबको जोड़ना चाहिए। और एक शॉर्ट वैक्यूम ट्यूब एक होल पे आपको जॉइंट करना है। ये चारों हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, अभी ये पूरी तरह से बन गया है क्लस्टर। इसे कहते हैं मेलास्टी ट्विंस पल्स ट्यूब। ये ट्विंस पल्स ट्यूब को जो जहाँ पे अपन ने पहले ही बनाया था क्लस्टर, उसका पल्स को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिट करना है। इसे कहते हैं मेलास्टी मिल्क ट्यूब फूड ग्रेडेड और उसको क्लस्टर का ऊपर भाग में आपको लगाना है। इसे कहते हैं ट्यूब क्लिप और ये पल्स ट्यूब और मिल्क ट्यूब को अटैच करने का इस्तेमाल करता है। इसी मशीन के साथ आपको SS304 का 20 लीटर्स का मिल्क कैन मिलता है। एक अपने क्लस्टर रेडी करके रखा था, उसको अपने मिल्क ट्यूब यूज किया था अपने फिट करके। उसका सेकंड एंड जो है वो इस नोजल को टाइट करना है। उसके साथ आपको एक पल्सेटर मिलता है 60-40 का मेलास्टी का, वो नोजल यहाँ पे नोजल को लगाना है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ए और बी। वो जो पल्स ट्यूब है उस दोनों को टाइट करके ले लेना है। अपना पूरी तरह से अभी कैन असेंबल रेडी हो गया है। अभी अपनों को यहाँ पे लॉक करना है और ब्लैक कलर का वैक्यूम ट्यूब लेना है। एक नोजल पे एंड पे उसको अटैच करना है और उसका दूसरा एंड अपना मोनोब्लॉकिंग स्टैंड को जॉइंट करना है। अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से असेंबल हो गया है। अभी अपन उसको स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करके आने के बाद अपन ने जो क्लस्टर रेडी करके रखा हुआ है उसका जो क्लॉ का जो ऊपर का जो शट ऑफ वाल है उसको लॉक करना चाहिए। को लॉक करने के बाद आप डायरेक्टली मीटर गेज के पास आना चाहिए। वहाँ पे आपका 400 से लेके 500 तक का प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए। और उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पे एक बाजू में आपको एक रेगुलेटर वैक्यूम रेगुलेटर मिल जाएगा।